वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिख संगत यूट्यूब चैनल ते तुहाडा सारिआं दा हार्दिक स्वागत किया जाता है। साडी अज दी इह वीडियो सिख कौम के महान सूरबीर बली योधे सरदार शाम सिंह अटारी वालिआं दी जीवनी दे उत्ते है, जो असीं संखेप विच तुहाडे नाल सांझी करांगे। किसी शायर ने सच ही लिखिया, कहिंदे अज होवे सरकार तां मुल पावे जिहड़ियां खालसे ने तेगां मारियां ने। शाम सिंह अटारी वाले का जन्म संमत नानक शाही 316 ईस्वी भाव 1785 भाई कान चंद पुत्र मोहर सिंह दे पोतरे निहाल सिंह दे घर माता शमशेर कौर दी कुखों होया। सरदार शाम सिंह अटारी दे वड्डे वडेरियां दा जिहड़ा पिछोकड़ आ उह जैसलमेर नाल संबंधित सी। इह पहलां फूल महाराज दे पिंडां विच आबाद होए, फिर 1735 ईस्वी नूं जगराओं दे इलाके कौके विच आ वसे। कौके तों बाद इन्हां एक उदासी संत मूलदास तों अमृतसर जिले दे एक पिंड विच मोड़ी रखवाई अते उच्ची जगह ते 3 मंजिला मकान उसार के इस दा नाम अटारी रखिया। सरदार शाम सिंह अटारी चंगे घोड़सवार, तीर अंदाज अते तलवारबाज सन। उन्हां दे पिता निहाल सिंह दा महाराजा रणजीत सिंह नाल काफ़ी प्रेम प्यार सी। सरदार शाम सिंह अटारी भी निहाल सिंह दे जिउंदियां ही महाराजा रणजीत सिंह दी फौज विच भर्ती हो चुके सन। पिता दे हुंदियां ही उन्हां ने 12 मार्च 1816 ईस्वी नूं महाराजा रणजीत सिंह कोलों एक हीरिया जड़ी कलगी प्राप्त कर लई सी। निहाल सिंह दी मौत तों बाद महाराजा रणजीत सिंह ने सरदार शाम सिंह अटारी नूं पिता दी पदवी ते नियुक्त कर दिता। 1818 ईस्वी दी मुल्तान दी पहली ऐसी लड़ाई सी जिस विच शाम सिंह ने अपने पिता दी मौत तों बाद हिस्सा लिया ते बहादुरी दे जौहर दिखाए। बहादुरी दे जौहरां नूं देख जान के महाराजा रणजीत सिंह ने शाम सिंह तों खुश हो के उस नूं शहजादा खड़क सिंह, दल सिंह ते मिसर दीवान चंद नाल 1818 ईस्वी विच ही पिशावर दी मुहिम ते भेजिया अते खालसा चीफ अते खालसा फौजां पिशावर जित के मुड़ियां। इस मगरों साल 1819 विच कश्मीर, 1828 विच संदड़, 1831 विच सैयद अहमद बरेलवी ते जित, 1834 विच बन्नू अते 1837 विच हजारे दी मुहिम आदि शाम सिंह अटारी ने प्रमुख लड़ाइयां लड़ियां अते इन्हां विच जित प्राप्त कीती। पिशावर दी मुहिम तों वापस आ के सरदार शाम सिंह अटारी ने अपनी लड़की दा साग महाराजा रणजीत सिंह दे पोतरे कंवर नौनिहाल सिंह नाल कीता। 27 जून 1837 नूं महाराजा रणजीत सिंह दी मौत तों बाद सिख राज दा सूरज छिपन लग पिया। हौली हौली अंग्रेजां ने पंजाब ते कब्जा करना शुरू कर दिता अते डोगरा शाही आरंभ हो गई। कतलां ते गदारियां दा मुढ बज गया। इथों ही सिखां ते अंग्रेज़ां दी पहली लड़ाई समय अंग्रेज़ां दी फौज विच 44,000 जवान ते 100 तोपां सन। अंग्रेज़ मुल्तान ते चढ़ाई करन लगे। सिख फौजां दा कमांडर इन चीफ तेजा सिंह अते वजीर लाल सिंह सन। इन्हां दोवां नूं लालच दे के अंग्रेज़ां ने अपने नाल मिला लिया, जिस कारण सिख फौजां दी चढ़ाई दी योजना इन्हां दोवां ने सफल ना होण दित्ती। दूसरे पासे खालसा राज दे नमक हरामी वजीर ध्यान सिंह डोगरे दी माड़ी नीति सिख राज दी पिठ विच गदारी दा छुरा मार रही सी। सिखां दी अंग्रेज़ां नाल होई मुदकी दी लड़ाई, फेरू मान दी लड़ाई, बद्दोवाल दी लड़ाई अते आलीवाल दी लड़ाई विच डोगरियां दी गदारी कारण सिखां दी हार होई। महाराजा रणजीत सिंह दे देहांत पिछों लाहौर दरबार दा काम काज महाराणी जिंद कौर दी देखरेख हेठ चल रहा सी। महाराणी जिंद कौर ने 10 घोड़सवार दे हाथ शाम सिंह अटारी वालां नूं सुनेहा भेजिया ते सुनेहे विच आख्या कि उह लाहौर वल वध रहियां बरतानवी फौजां नूं रोको। जद 10 घोड़सवार महाराणी जिंदा दी चिट्ठी लै के सरदार शाम सिंह जी अटारी कोल पुजे तां महाराणी जिंदा दी दर्द भरी चिट्ठी दा शाम सिंह अटारी ते डाढा असर होया।
चिट्ठी पढ़ के चिट्टे नुरानी दाड़े वाले सूरबीर सरदार शाम सिंह अटारी वाले नू जोश चढ़िया अते सिर ते कफन बन के सभरावां दे नज़दीक मैदान जंग विच पहुँच गया। उथे उन्होंने देखा कि तेज सिंह ते लाल सिंह ने जंग की रणनीति एहो जिहे शर्मनाक तरीके नाल बनाई हुई है कि जित की कोई आस ही नहीं। सरदार शाम सिंह को लड़ाई की जिम्मेवारी संभालण तो इलावा होर कोई राह ना रहा। उन्होंने अपनी लड़ाई की आखिरी रणनीति घड़नी शुरू कर दी। जिथे खालसा ते फरंगी फौजां ने जंग विच मर मिटन की तैयारी की हुई सी, राजा गुलाब सिंह का राजनीतिक जोड़ तोड़ रणभूमि विच तेज सिंह ते लाल सिंह की गदारी नालों वधेरे खतरनाक सी। लाहौर दरबार के मुख्तियार की हैसियत विच वह अपना स्वार्थ सिद्ध करने लई अंग्रेज़ गवर्नर जनरल नाल गलबात चला रहा सी ते अपने जाति लाभ लिए अंग्रेजा नाल मिल चुका सी। तेजा सिंह गदार ने 9 फरवरी की रात नूं लड़ाई लगन तो कुछ घंटे पहले सरदार शाम सिंह नाल मीटिंग वेले बथेरी कोशिश की कि वह अंग्रेजा विरुद्ध जंग ना करे। लड़ाई करन दी थां भज गए, पर शाम सिंह अजिहा धरो करन दी सोच भी नहीं सन सकते। उस वेले फिरोजपुर विच सिर्फ 7,000 फौजी सन। जे सिख उस वेले हमला कर देंदे तां अंग्रेज़ सदा वास्ते हार जांदे अते जंग दा नक्शा कुछ होर ही हुंदा। गदार तेज सिंह ने सारा जंगी नक्शा अंग्रेज़ां नूं भेज दिता। 10 फरवरी 1846 वाले दिन शाम सिंह सभराओ जिला फिरोजपुर जंग दे मैदान विच आ नितरे ते ऐलान कीता कि उह अंग्रेज़ां दा डट के मुकाबला करनगे ते अपनी 5 दरियावां दी धरती ते अंग्रेज़ां नूं पैर नहीं रखण देणगे। अंग्रेज़ ते खालसा फौजां विचाले आर ते पार की गह गच जंग शुरू हो गई। खूब गोलियां चलियां ते खंडे खड़के। सिंघां ने अपनी रवायत कायम रखते हुए एक बार फिर बहादुरी जज्बी ते सूरबीरता की मिसाल कायम कर दिती अते वैरियां नूं हत्थां पैरां दी पा दिती। राजा गुलाब सिंह नाल होए गुप्त समझौते कारण अंग्रेज़ां दे हौसले बुलंद सन। उन्हां दा जंगी समान मैदान विच पुज चुका सी। बरूद की सप्लाई लई दरिया दे आरजी पुल तैयार किया। 3 घंटे युद्ध हुंदा रहा। जद लाल सिंह ते तेज सिंह ने वेख्या कि खालसा फौज बड़ी बहादुरी नाल शाम सिंह अटारी की कमांड थले लड़ रही है तो बरूद की थां पेटियां विच सरों ते रेत भेज दिती। इस नाल बंदूकचियां नूं बरूद मिलना बंद हो गया। इन्ने तक अंग्रेज़ फौजां 2-3 थावां तो सिखां दे मोर्चे विच दाखल हो गईयां। साजिश अधीन डोगरे जरनैल मैदाने जंग चों अपनियां फौजां नूं धोखा दे के नस तुरे अते उह जांदे जांदे सतलुज दरिया दे बनाए हुए पुल नूं वी तोड़ गए अते बरूद भरियां पेटियां दरिया विच डोब दित्तियां। इस नाल हजारां सिख फौजी उत्थे पाणी दे वहन विच रुड़ गए अते जरनैलां तों बिना सिख फौज दा उस वेले घबरा जाना कुदरती। सिख फौजां तान हुंदिया भी नतानियां हो गईयां। कमसान की इस लड़ाई विच सरदार शाम सिंह अटारी वाले दे पूरे तान नाल गोरियां दे आहू लाहे पर लड़द्यां लड़द्यां उस योधे नूं गोलियां दे सट जख्म लगे। सिख राज की राखी लई कीता होया अपना प्राण निभाउंदिआं उह शहीद हो गए। जरनैल तो सखनी हुई सिख फौज ने जो शामा पैन तो पहला जित रही सी अंत नूं उह हार गए। शाह मुहम्मद लिखदा है उह कहिंदा जंग हिंद पंजाब दा होण लगा, दोवें पातशाही फौजां भारियां नी, अज होवे सरकार तां मुल पावे, जिहड़ियां खालसे ने तेगां मारियां ने, घोड़े आदमी गोलियां नाल उड्डण, हाथी ढहिंदे सने अंबारियां नी, शाह मुहम्मदा इक सरकार बाजों फौजां जित के अंत नूं हारियां ने। उधर पति दी मौत दी खबर सुणदिया ही शाम सिंह दी पत्नी माई देसा ने 10 फरवरी 1846 वाले दिन ही अपने प्राण त्याग दिते। शहीद सरदार शाम सिंह होरां दा संस्कार उस दे पिंड अटारी विच 12 फरवरी 1846 नूं पत्नी दी चिखन नेड़े कर दिता गया। उन्हां दी शहीदी नूं समर्पित हर साल अटारी विच सरकार वल्लों अते सभरावां विच शहीदां दी याद विच बने गुरद्वारा
ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਬਲੀ ਯੋਧੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।